की बिल्डिंग जो है वो नीचे गिरने वाली है। हमें तो शाम को 7 बजे बोला गया कि आप लोग ये बिल्डिंग खाली कर दो। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी इलाका, जैसे ही यहाँ के लोगों को एक बिल्डिंग की नींव खिसकने की खबर मिली, पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिस फ्लैट को खरीदने में जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, उसकी जमीन इतनी कमजोर है कि कभी भी पूरी इमारत भरभरा कर गिर सकती है। अब जरा शाहबेरी की 7 मंजिला बिल्डिंग को देखिए। इसका एक हिस्सा झुक गया है, इसके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। फिलहाल बेसमेंट में पिलर को लोहे के सहारे रोक कर रखा गया है। इस वक्त मैं शहबेरी गांव में मौजूद हूं और शहबेरी गांव वही है जहां पर मंगलवार को 2 बिल्डिंग्स गिर गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी इस इलाके में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमारे सामने की तरफ जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जो इस बिल्डिंग का पिलर है वो काफी कमजोर हो चुका है और जो नोएडा प्राधिकरण है उसकी टीम ने बकायदा यहाँ विजिट किया और कमोबेश इस बिल्डिंग की हालत है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आप लोग यहाँ से क्यों खाली कर रहे हैं? सर, हमारे सामने की बिल्डिंग जो है वो नीचे गिरने वाली है। हमें आनन फानन 6 से 7 के बीच में ऑर्डर दिया गया है कि आपको छोड़ के जाना है। किसी की डिलीवरी होने वाली है तो किसी का बच्चा साल भर का है, किसी की तबीयत खराब है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि रात के अंधेरे में बच्चों के साथ कहां जाएं। लेकिन जान है तो जहान है। हाथ में जरूरी सामान का बैग लिए उस बिल्डिंग को खाली कर दिया जो कभी भी गिर सकती है, जिसमें 2 कमरे का फ्लैट खरीदने के लिए सब कुछ लगा दिया। तो शाम को 7 बजे बोला गया कि आप लोग ये बिल्डिंग खाली कर दो। बिना बात के पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ आना है। बच्चे के साथ जा रहे हैं जहाँ पर देखो, कहाँ जाते हैं। मुझे मंगल को मेरी डिलीवरी होनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जिस बिल्डिंग के गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है उसमें सिर्फ एक परिवार रहता था। उस बिल्डिंग को सबसे पहले खाली करवाया गया और सील कर दिया गया। हादसे की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी तैनात कर दिया गया। आसपास की इमारतों को भी खाली करवा दिया गया है। हमें ये बताया गया है कि कोई बिल्डिंग जो है झुक गई है उसी घटना स्थल के पास, इसलिए मौके पर भेजा गया है। आप लोग अभी आए हैं यहाँ पर? कितनी टीम आई है? नहीं, पहले से भी गाड़ी आई हुई और भी बताने आने के लिए कहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या बिल्डिंग ढहाने की कोशिश तो नहीं? एहतियात के तौर पर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो नोएडा की दमकल विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जैसा कि इनकी महिपाल जी ने बताया कि बाकायदा इनको ये जानकारी मिली है कि जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग हमने आपको पहले दिखाई, डेंजर जोन में तब्दील हो चुकी है। यहीं पर मंगलवार को एक हादसा हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए, 17 जुलाई को शाहबेरी में 2 इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गई थी। इनमें दबकर 9 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया को पता चल गया कि शाहबेरी हादसों की ज्वालामुखी पर बैठा है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अवैध तरीके से बनाई गई इमारतें कभी भी लोगों की कब्र में तब्दील हो सकती हैं। ये जो इलाका है वो डेंजर जोन में पूरी तरह से आ चुका है और शायद ही वजह की आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रशासन है उसने बांस की बल्लियां लगा दी है ताकि इसके अंदर कोई भी ना आ सके, क्योंकि जो बिल्डिंग है आसपास की वो कभी भी गिर सकती है, इस तरह की जानकारी मिली है। शायद यही वजह है कि लोगों की आवाजाही न हो, इसके लिए यहाँ पर बल्लियां लगा दी गई हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं इन सब के बावजूद भी लगातार जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही है। पिछले कुछ सालों में शाहबेरी, खेड़ा और बिसरख जैसे इलाकों में अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे छोटे बिल्डर्स ने अथॉरिटी में बाबुओं के साथ मिलीभगत करके गलत तरीके से खतरनाक इमारतें खड़ी कर दी। बिल्डरों ने इमारतों में भूकंप रोधी और प्राकृतिक आपदा से बचने की जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर बनी सैकड़ों छोटी बड़ी इमारतें सरकारी अफसरों को पहले क्यों नहीं दिखी? हादसे के बाद ही प्रशासन हरकत में क्यों आता है?